नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रिया। 2019 के लोकसभा चुनावों में मायावती से मिले राजनीतिक धोखे को अखिलेश यादव भूलने के मूड में नहीं है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार मायावती की पार्टी को तोड़ने में लगे हैं। बीएसपी के कई बड़े नेता मायावती का साथ छोड़कर अखिलेश का दामन थाम चुके हैं।2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद गठबंधन टूट गया। तभी से सपा और बसपा में मनमुटाव जारी है। हालांकि अखिलेश यादव सीधे तौर पर बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते नजर आते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश इस चुप्पी के सहारे मायावती को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि बसपा नेताओं का एकदम से अपनी पार्टी से मोह भंग हो गया, ये माइंड गेम पहले से चल रहा है। आइए समझते हैं आखिर क्या है अखिलेश का माइंड गेम। अखिलेश मायावती को लेकर मीडिया के सामने मुखर नहीं है, पर जिस तरह से मायावती ने 2019 में गठबंधन तोड़ा और सपा पर आरोप लगाए, उसको लेकर अखिलेश अब मायावती की पार्टी को तोड़ने में लग गए हैं। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, अपनी मंद मंद मुस्कान से अपनी बुआ की पार्टी कमजोर करने में लगे हैं। अखिलेश की कोशिश है कि एंटी बीजेपी वोट सिर्फ सपा को जाए, जिसके चलते उनकी नजर मायावती के बड़े नेताओं पर है। यूं तो मायावती 4 बार सीएम रही हैं और अखिलेश 1 दफा, पर अखिलेश अपनी अनकही नीति से बसपा को चारों खाने चित करना चाहते हैं। यूपी चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल माहौल बनाना चाहता है और सपा भी ठीक वैसा ही कर रही है। अखिलेश यादव ऐसे ही बसपा के दिग्गज नेताओं को शामिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि माहौल बनाकर कर रहे हैं। लगभग 1 महीने पहले बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे आरएस कुशवाहा के साथ अखिलेश ने तस्वीर साझा की थी, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि मायावती को एक बड़ा झटका लगने वाला है। उससे कुछ दिन पहले अखिलेश ने एक तस्वीर साझा की, जिसमें उनके अगल बगल बीएसपी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले लालजी वर्मा और राम अचल राजभर मौजूद थे। माहौल बना, फिर पार्टी सूत्रों से पता चला कि अखिलेश अंबेडकर नगर में बड़ी रैली में दोनों को पार्टी में शामिल करवाएंगे। बीएसपी के वीर सिंह मायावती के बेहद करीबी नेता सपा में आए। उदयलाल मौर्य 2 बार बीएसपी के विधायक रहे और वो भी कुशवाहा के साथ आ गए। बीएसपी में 6 विधायकों को हाल में ही निष्कासित किया है, वो भी आजकल अखिलेश के साथ ही नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से सांसद रहे कादर राणा मायावती के सहयोगी नेता कहे जाते थे और उनका अपने क्षेत्र में वर्चस्व रहा, पर आज वो अखिलेश के साथ आ गए। अखिलेश जानते हैं कि यादव और मुस्लिम पहले से ही उनके साथ हैं, तो अब वो पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की राजनीतिक दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले अखिलेश और मायावती ने हाथ मिला लिया था, लेकिन मोदी लहर के आगे पस्त हो गए थे। गठबंधन से मायावती को तो फायदा हो गया था, लेकिन अखिलेश घाटे में रह गए थे। कैपिटल उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।